करो जी। सारे पत्रकार साहबान का स्वागत है। पत्रकार रात में ज्यादा लेट काम करते, छेती खाड़ना गलती हो गई, माफी चाहते हैं। इसलिए मैं छेती जाना भाई थोड़े ना रह के आदत छड़ गई। पिछलिया दो कैबिनेट जो फैसले अस ले तुहाडे तक नहीं पहुंचे सी, इस करके भी पहला मैं वह भी थोड़ा दसना चाहना है। बाकी जो तुम कहोगे वह भी गम्मां पहला करांगे। खेती किसान ते जिहड़ा कर्जा है उसका बोझ किसान झलण तो असमर्थ होया होया है। इस तरीके दे हालात बने हुए है ते पंजाब सरकार ने 2 लाख तक दे 5 एकड़ तक वाले किसानां दे कर्जे जिहड़े आ उह माफ करन दा ऐलान कीता सी। उहदे विच लगभग 1.5 लाख किसानां दा कर्जा अजे माफ नहीं होया। ते नाल नाल जिहड़ा लैंड मोरगेज बैंक है जिहड़ा कि किसान ज्यादातर लैंड मोरगेज बैंक तो कर्जा लैंदे हैं वह भी इहदे विचों रह गया सी। उहदे 5 एकड़ तक दे 2 लाख तक दे कर्जे जिहड़े वह माफ नहीं सी होए। सो कल किसान यूनियन ने भी मिलिया सी, पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि 2 लाख तक दे कर्जे जिन्हां किसानां दे बकाया रह गए है जिहड़े कि हुण शायद 2 लाख परिवार बन जाणगे उन्हां दा इह टोटल 2 लाख तक दा कर्जा जिहड़ा क्रॉप लोन है वह माफ किया जाएगा। जिहड़ी पहली स्कीम है ते लैंड मोरगेज बैंक दे जिहड़े कर्जे है वह असीं माफ करन जा रहे हैं। अगले 10 दिनां दे विच ऐसी ये पैसे किसानां दे खातियां दे विच पा देवांगे 10 तों 15 दिनां दे विच। इह लैंड मोरगेज बैंक दा वैसे असीं हिसाब अजे कढ़णा है क्योंकि कल ही इहदे बारे फैसला होया, लेकिन लगभग 2000 करोड़ रुपया असीं किसानां नूं उहनां दे कर्जियां दी वापसी दे विच देण जा रहे हैं। उहदे नाल साडी इह स्कीम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी कि 2 लाख तक दे जिहड़े कर्जे है वह सारे किसानां दे जिन्हां दे 5 एकड़ तक जमीन है वह पंजाब सरकार वालों माफ कर दिते जाणगे। इस दे नाल नाल जिहड़े लैंडलैस लेबरर है उन्हां दे भी असीं कर्जे माफ कीते है। 25,000 तक दा उन्हां दा कर्जा असीं कोऑपरेटिव सोसाइटियां दा माफ कर दिता है। शेड्यूल कास्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। 1.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਨ ਫੰਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਓਨ ਫੰਡ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ सरकार दा पैसे दे माफ कीते है। एक सोसाइटियां दे कोल पैसा पिया सी उन्होंने भी किसानां खेत मजदूरां नूं कर्जा दिता होया है। ऐसी वह भी पंजाब सरकार वालों भरपाई कर रहे लगभग 64 करोड़ रुपया वह है। सो इस करके किसानां नूं ते खेत मजदूरां नूं मैं बधाई देना चाहुंदा कि पंजाब सरकार ने उन्हां दा कर्जा चक्किया। इस तों वध जिहड़े होर कर्जे आ उन्हां बारे उस तों बाद विचार कीता जाएगा। कैबिनेट दे विच कल फैसला लिया गया है कि जनरल कैटागरी कमीशन पंजाब सरकार ने बनाउण दा फैसला लिया है जिहड़ा कि कैबिनेट दे विच पास हो गया है। क्योंकि जनरल कैटागरियां दे विच भी गरीब लोग है वह लोग है जिन्हां दी सुनवाई नहीं हुंदी जिन्हां नूं दे नाल कई बार अन्याय हो जांदा है उन्हां वास्ते भी असीं एक कमीशन बनाया है जिहदा नाम जनरल कैटागरी कमीशन है ते उहदे विच उह असीं कल पास कर दित्ता है। लंबरदारां दा मसला बड़ी देर तों
ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਜੱਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਬਰਾਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਐਕਟਰ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੋਰ PSIES ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਰੁਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਸਹਿਣੇ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਗਲ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ ਭੁੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਫੈਲਾਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ
सारा कुछ किया, पंजाब की जवानी का घाण किया, ता असी इस मसले नूं चुकिया, ता असी इस मसले ते अगे वधे हैं। पहला अपनी जमीर की आवाज सुनी है, पहला अपने आप नूं कन्विंस किया है कि वाकई ये लोग जेड़े है जुम्मेवार है पंजाब नूं बदनाम करन लई ते पंजाब दी नौजवानी गाड़न लई। उस तो बाद ही असी इस रास्ते ते अगे तुरे है। तो ये कोई केस कांग्रेस पार्टी का जां कांग्रेस सरकार का बनाया हुआ नहीं है। एक केस 2013 दे विच प्रकाश सिंह बादल ते बीजेपी की सरकार के समय उजागर होया। 6,000 करोड़ रुपये का ड्रग माफिया ते ड्रग स्कैंडल फड़िया गया है 2013 दे विच। भोला ते होर बंदे इहदे विच मुलजिम बने हैं। ते उसे समय पंजाब पुलिस दे विच एक जिमनी लिखी गई है। जिमनी एक डाकूमेंट हुंदा है पंजाबी जो नूं जिमनी कहिंदे है, जिहड़ा ते दोषी दे खिलाफ लिखिया जांदा है केसां दे विच। उहदे विच बिक्रमजीत सिंह मजीठिए नूं जिमनी दे विच इहदा नाम आया है कि इह वी इहनां गल्लां दे विच इनवॉल्व है। उस तो अगे गल वधी है, फिर भोला नाम दा जिहड़ा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੋਲ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਈਡੀ ਨੇ पूरे विस्तार दे विच इना दे रोल नूं दर्शाया, ते इना नूं बार बार बुला के सारी रिपोर्टां लईयां गईयां, ते ईडी ने भी इना नूं दोषी पाया। उस तो बाद ए गल इत्थे भी नहीं रुकी। कोर्ट दे विच नवकिरण सिंह जिहड़े ह्यूमन राइट्स वास्ते लड़दे है, उन्होंने कोर्ट दे विच केस पाया कि जी ईडी कोल बिक्रमजीत सिंह मजीठिया का नाम आया, पंजाब की पुलिस को बिक्रमजीत सिंह मजीठिया का नाम आया। ये अकाली दल के टाइम होया, अकाली दल बीजेपी की सरकार के टाइम होया, कि फिर सरकार इहदे ते कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। इहदे उत्ते ये सत्ता पिंडी होर सारे फरार होए, इहदे विच जिहड़े कि इहदे अपने बंदे जिहड़े इहदे घर रहिंदे रहे, जिहदी जिहनूं इहनां ने सिक्योरिटियां प्रोवाइड करिया, अपन जिप्सियां दित्तियां, अपने घर रखे, वो लोग अज फरार है, उन्हां नूं फड़िया नहीं गया। ते नवकिरण सिंह दी जिहड़ी कोर्ट विच उन्होंने केस पाया, उहदे उत्ते एसटीएफ पंजाब नूं एक रिपोर्ट देने वास्ते कहा गया। ये कोर्ट दे मसले है, कोर्ट हाई कोर्ट ने कहा है, उहदे विच्चे हाई कोर्ट दे कहण ते एसटीएफ पंजाब ने सिद्धू जी दे एडीजीपी है इंचार्ज है, उन्होंने एक रिपोर्ट दिती कि जी आ रिपोर्ट है हाई कोर्ट दे विच सबमिट कराती। उस ए 2017 दी गल है, अज दी गल नहीं है। अकाली दल दी सरकार दे विच पहला सारा कुछ होया, उस तो बाद 2017 च हाई कोर्ट ने रिपोर्ट लई, हाई कोर्ट दे विच रिपोर्ट गई, उस तो बाद अज तक साड़ी पिछली सरकार कैप्टन साहब होरां ने साडे एडवोकेट जनरल ने इसकी सही पैरवाई ना करके रिपोर्ट नूं खुलवाया नहीं, लागू नहीं कराया। हुण जदों सरकार बदली, साडे वकीलां ने पैरवाई की, तां हाई कोर्ट ने कहा कि तुहानूं कोई रोक नहीं है, तुसीं कार्रवाई कर सकदे हो। हाई कोर्ट ने कोर्ट दे विच आर्डर कीते है, हाई कोर्ट दे कहण ते ए एसटीएफ दी रिपोर्ट जिहड़ी खोली गई है, जब खोल के देखिया तां उहदे च पंडारा जिहड़ा उह बिक्रमजीत सिंह मजीठिए दे खिलाफ है। रिपोर्ट दे विच कहा गया है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट दी रिपोर्ट है कि बिक्रमजीत सिंह मजीठिया दे खिलाफ एनफ एविडेंस है, इस दे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहीदी है। उही रिपोर्ट टोटल ऐसी FIR दे विच कन्वर्ट करके परचा दर्ज किया, उसकी कार्रवाई अगे चल रही है। यह
लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है, इहदे विच बड़े मगरमच्छ है ते बड़ियां ताकतां है। बड़ियां ताकतां दे सामने सानू अपने आप नूं तकड़ा करके चट्टान वांगू खड़ना पै रिहा है, क्योंकि सेवा देश दी जिंदड़ी है बड़ी औखी। गल्लां करनियां बहुत सुखालियां ने, जिन्हां इह सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां घालियां ने। जे उधम सिंह जी साडे वास्ते कुर्बानियां कर सकदे, जे सानू भगत सिंह जी एक रास्ता दिखा के जा सकदे, तां साडा फर्ज बणदा है कि असीं देश विरोधी समाज विरोधी ताकतां दे खिलाफ तकड़े होके खड़ीए। मैं गरीब परिवार चो पैदा होया, लेकिन ना मैनू पैसे दी लोड़ है, ना मैनू ताकत दी भुख है। सिर्फ ते सिर्फ जे इस लड़ाई विच कुदे है तां पंजाब दी जवानी वास्ते कुदे है, जे इस लड़ाई दे विच कुदे है तां पंजाब दी मावां दी कुखां वास्ते कुदे है, जे इस लड़ाई च कुदे है तां समाज दे सुधार विच वास्ते कुदे है। सानू कोई परवाह नहीं है, कोई खतरा आने वाले दिनां दे विच सानू अपने इरादियां तों रोक नहीं सकदा। मैं अपने उन्हां नौजवानां नूं बहुत पसंद करदा जिहड़े फोटो भगत सिंह दी लगा के रखदे, क्योंकि उन्हां च कोई खोट नहीं हुंदी। मैं उस भगत सिंह तों इंस्पीरेशन ले रहा, क्योंकि साडा फर्ज बणदा जिहड़ा साडियां पिछलियां सरकारां ने नहीं कीता, क्योंकि उहदे अपने रिश्तेदार होम मिनिस्टर सी, उहदा अपना रिश्तेदार मुख्यमंत्री सी, इस करके उन्होंने इस बंदे ते कार्रवाई नहीं की। अजिहे एक नहीं होर भी निकलणगे। अपने रिश्तेदार नूं बचाया गया है, सरपरस्ती दित्ती गई है, ते अज पंजाब इन्होंने बदनाम किया सी। उस गल नूं अगे लेके आना है, अगे नूं वो लोग जिहड़े पंजाब दे विच अजे भी नशे की तस्करी करते हैं, उन्होंने भी एक सबकर उस सिखाना है। जिहड़े नशे करते हैं थोड़े थोड़े बच्चों नूं लगाता, जिन्होंने जवानियां गालतियां उन्होंने फड़ के अंदर दे जाते हैं, असी उन्होंने तो मजबूरी बड़ी भी है कि जी वो नशा करना पै रहा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने लत लग गई है शरीर को। उन्होंने तो सहन बुद्धि के नाल असी अपने हॉस्पिटल जाके ठीक कराना है। फड़ना तो इन्होंने लोगों है जिन्होंने सारा कुछ कराया है। इस करके और फिर मैं थोड़ा इस तो अगे भी गल करना चाहता कि आम आदमी पार्टी वाले अज कहते हैं जी ये तो ड्रामा करता। मैं कहना यह अजे ड्रामा करके देखो, कोई पता लगेगा ना भी क्या भाव बिकती है, तो किस तरह खड़ना पैंदा, किस तरह पुलिस अफसर नूं खड़ाना पैंदा है, किस तरीके दे नाल अगले करोड़ां अरबां रुपया ऑफर करते हैं, किस तरीके दे नाल दबके वजदे साडे अफसरां नूं। ये तो केजरीवाल आके देखे, केजरीवाल नूं तां इक्को दबका वज्जिया सी, आ उहदा एफीडेविट है, माफीनामा जिहड़ा उन्हें कोर्ट दे विच जमा कराया। मैं आप जी नूं जानकारी वास्ते पढ़ के सुना रहा, आम आदमी पार्टी दा जेड़ा करता तरता केजरीवाल ऐसे मजीठिए तो माफी मंग के भज गया सी। ये भगौड़ा है, भगवंत मान वर्गिया ने इस नूं शह दित्ती नाल, जेड़िया दे विच थोड़े बहुते देश प्रस्ती दे कण सी वो 10 MLA इस नूं इस करके छड्ड के चले गए कि साडे नौजवानां दी जवानी गलदी देख के तैनूं ज्यादा प्यारी होगी दिल्ली दा मुख्यमंत्री बनना, तू डर गया, तू खड़ नहीं सकिया सामने। पहला दागुआं जे मारदे सी चोणां तों पहला वोटां लैण नूं, जद वोटां खत्म हो गईआं तां आ माफीनामा केजरीवाल ने कोर्ट विच दित्ता लैटर हेड ते। आ मैं हुण तुहानूं पढ़ के सुना रहा, आम आदमी पार्टी दा लैटर हेड है, केजरीवाल दे दस्तखत है। सब्जेक्ट रिट्रैक्शन ऑफ एलीगेशंस मेड अगेंस्ट यू एंड एन ऑफर ऑफ रिग्रेट। कहिंदा जी जिहड़े मैं तुहाडे पर एलीगेशन लगाए है उहनां नूं वापस ले रहा, उहनां तों वापस घूम रहा, गोडे टेक रहा अपने, और
मैं थो तो माफी मांग रहा, ये मजीठिए नू लिख रहा है केजरीवाल, अरे कोर्ट दी डॉक्यूमेंट है, अमृतसर कोर्ट चो कढ़ाया गया है, ये थोड़े सामने कर रहे हैं केजरीवाल ते भगवंत मान ते आम आदमी पार्टी का किरदार, जेड़े साडे नौजवानों नू कह रहे हैं कि जी असीं थोड़ी राखी करांगे, असीं थोड़े वास्ते लड़ांगे, असीं थोड़े वास्ते मरांगे, ओ आ माफिया मांग के भजे है पंजाब चो, ये मैं तुहानू देण वास्ते पढ़ रहा। In the recent past, I made certain statements and allegations against you. मतलब मजीठिया, मैं थोड़े पिछले समय दे विच थोड़े खिलाफ गलती नाल बोल गया, बहुत सारे शब्द थोड़े पर एलिगेशन लगाए, मजीठिया नूं केजरीवाल कह रहा है। Regarding your alleged involvement in drug trade, these statements became a political issue. Now I have learnt that allegations are unfounded. Hence, there should be no politics on such issues. Because of my allegations made against you at various political rallies, public meetings, TV programs, print, electronic and social media, you filed a defamation case against us in the Honorable Court at Amritsar. I hereby withdraw all my statements and allegations made against you and apologize for the same. शर्मनाक गल, आई हेयर वाई विदड्रॉ, ये मैं थोड़ा पढ़ के सुना रहा, केजरीवाल का एफिडेविट उदी लैटर पैड ते लैटर के मजीठिया जी मैं गोडे टेक दिते, मैं हाथ जोड़ रहा, जो मैं थोड़े खिलाफ बोलिया कि तुसी नशे दे तस्कर हो, मैनू माफ करो, मैं ये सारे एलीगेशन वापस ले रहा। All my statements and allegations made against you and apologize for the same, or मैं माफी मांगता। The damage caused to your esteem, the hurt caused to your family, friends, well-wishers, followers and loss caused to you is regretted. ये केजरीवाल है, पंजाब दे लोकां दे नाल खड़न वास्ते लत्ता च जान चाहीदी है, पंजाब दे लोकां दे नाल खड़न वास्ते अपने घर परिवार अपने सिर ते कफन बनना पैंदा है, जेड़ा ऐसी बन के तुरे है, ये लोग पंजाब दी हिफाजत करन दे काबिल नहीं है, इन्हां नूं हुण अपना स्टेटस, अपनी स्थिति, अपनी सोच स्पष्ट करनी चाहीदी कि अज्जे कित्थे खड़े है, इन्हां नूं हुण जद विक्रम मजीठिए नूं किताबा विच लै लिया गया, उहदे ते परचा दर्ज कर दिता गया ते ओह फरार है, ते अपने आप नूं जस्टिफाई करन वास्ते सामने नहीं आ रहा, तां हुण इन्हां नूं पंजाब दे लोकां ते माफी मंगनी चाहीदी। भगवंत मान जिहड़ा उहनां दे नाल खड़ा है, जे कल्ला इक भगवंत मान है जिहने केजरीवाल नूं नहीं कहा आम आदमी पार्टी कि तुसीं गलत कीता, तुहानूं माफी नहीं मंगनी चाहीदी सी। अज भी भगवंत मान कहे कि केजरीवाल की गलती सी, इसने माफी नहीं मंगी, इसने माफी मंगी है, इसनूं नहीं मंगनी चाहीदी सी। अज भी केजरीवाल ते भगवंत मान पंजाब दे लोकां ते माफी मंग लैण तां पंजाब दे लोक खुले दिलां वाले माफी माफ कर देणगे, लेकिन फिर 2 महीने बाद किसी ने नहीं करना इन्हां नूं। इन्हां ने भी पंजाब दे नाल मजीठिए दे नाल मिलके धोखा कीता, इह इक दिन च लैटर नहीं बनी, ये दिल्ली का जेड़ा हुणे लीडर बीजेपी शामिल होया, क्या नाम, सिरसा, उसने इन्हां दा बैठ के समझौता कराया सी। भगवंत मान केजरीवाल उन्हां दा समझौता विक्रम मजीठिए दे नाल सिरसे ने करा के आ लैटर जारी कराई है केजरीवाल तो, जेड़ी के पंजाब दी नौजवानी, पंजाब दिया मावां दिया कुखां, पंजाब दी अर्थव्यवस्था, पंजाब दा समाजिक जीवन, पंजाबियां दे पिठा पिठ दे विच छुरा मारिया अंदर खाते इन्हां ने बैठ के, इसलिए केजरीवाल इसका जवाब दवे। ते मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता है,
ऐसी आ थी जेडी मुहावरा है कि बिजली थे बिल्ली थैले तो बाहर आ गई ए कड्डी है ऐसी जी बिल्ली एक कैप्टन अमरिंदर सिंह भी है वह भी कड्डी है वह भी हूं मजीठे के हक च बोलते हैं रिश्तेदारियां याद आ गई वो दिन याद नहीं है जिस दिन कहना हुंदा सी ये छोटा जा बलूंगड़ा मैं इन्हू देखूंगा हुण बलूंगड़े दे नाल बिल्ली भी बाहर आ गई दोनों आ गए बाहर सो मैं कहना चाहुंदा कि ऐसी गरीब हो सकते है कमजोर नहीं है ऐसी पार्टी साड़ी नैशनलिस्ट है नेशन दे वास्ते हमेशा लड़ी है ते लड़ांगे ये नैशनल लड़ाई है ये पूरे सूबे दे लोकां दी लड़ाई है ये नौजवानां दी लड़ाई है ऐसी इहदे वास्ते लड़ांगे और वो लोग जेड़े पंजाब दे समाज नूं गंदला करन वास्ते जिन्हां ने नशे फैलाए है उहनां नूं लॉजिकल एंड तक लेके जावांगे ये लड़ाई इत्थे नहीं मुकेगी होर भी इहदे विच बहुत सारे लोग आणगे इहनां दीआं प्रॉपर्टियां भी आणगीआं इहनां दे रिक्शे दे बिजनेस भी आणगे इन्हां दे लीकर बिजनेस भी आणगे ये सारियां चीजां देखियां जाणगीआं सो इहदे लई कोर्ट में हुआ है इधर मोहाली कोर्ट में केस लगा हुआ है और लुधियाना कोर्ट में बम धमाका हो रहा है मैंने कहा हो सकता है इसका लिंक हो इसकी तहकीकात की जा रही है आज केंद्र से भी आज लीडर आ रहे हैं मंत्री जी आ रहे हैं मैं भी कल गया था हाँ कपूरथला में बात आगे बढ़ रही है वहां कोई पंजाबी च बोलना जी तुसी जानदे कपूरथला दे विच जेड़ा बेअदबी दी गल होई है ओ सानू बेअदबी दी कोई उत्थे गल नहीं मिली ते किसे तरह दा कोई एविडेंस नहीं है कि बेअदबी होई है ओ एक बंदा अपने घर दे उपर महाराज दी सवारी नूं उहनां ने रख्या होया थल्ले ओ आप रहिंदे है ते ए गल कतल वालों गई है इस करके इस दी इनक्वायरी चल रही है जो सामने आएगा अज उम्मीद है उससे नितारा हो जाएगा ऐसी एक मामला ट्रेस कर लिया है इस मसले नूं ऐसी हल कर लिया है ते अज हल दे मुताबिक FIR नूं अमेंड कर दिता जाएगा देखो ऐसी सारियां रिपोर्टां कोर्ट दे सामने रख दित्तियां ओह रिपोर्ट भी कोर्ट दे सामने गई है कोर्ट ने आखिर दे विच सानू कहा कि तुसी इहदे ते कारवाई करो तुसी करदे क्यों नहीं सानू करके दसो ऐसी कीती सर होर वड्डियां वड्डियां मच्छियां जिहड़ियां तुसी क्या क्या अकाली दल दे विक्रम मजीठी हैगा होर भी काफी बंदे आए ने तुसी जांच कर रहे हो एक कोई होर जिहड़ी अगे है केवल एक पार्टी दा है जां होर पोलिटिकल बंदे भी नहीं क्योंकि काफी वड्डा तुसी जिवें दस नैटवर्क हैगा जो जो आएगा वो फसेगा माना जा रहा है मामला जो ब्लास्ट वाला NIA को दिया जा सकता है क्या आप कल मेरी अमित शाह जी नाल भी गल हुई सी उना दी भी सपोर्ट ले जा रही है इस मसले नू हल कर लई ते लभण लई उना दीआं भी टीमां इत्थे आईआं होईआं मैं उना नाल गल कीती सी उना दे मिनिस्टर भी अज इत्थे आए है क्योंकि RDX ते कुछ ऐसे इशू है जेड़े पंजाब कोल ओ सिस्टम नहीं है वो केंद्र सरकार की एजेंसियां आके देख दिया है किस लेवल का RDX कितों आया हो सकता वो सारिया चीजा की तहकीक कर क्या आपके पास पहले से कोई इनपुट था और अगर इनपुट था या नहीं था उसके बाद इस तरह का ब्लास्ट होना सेंट्रल एजेंसी द्वारा आपको अलर्ट किया गया था उसके बाद भी ये ब्लास्ट हो जाना कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कोई ऐसा नहीं बात है हम अपनी तरफ से पूरे सतर्क हैं
और हर तरीके से तरक्की से काम कर रहे हैं।